हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड योर चैनल फिजिक्स एसपीसी। फ्रिशन का एक क्वेश्चन। एन इंसेक्ट क्रॉल्स अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस इज 1/3। इफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस टू इंसेक्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन बाय। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, ये इंसेक्ट है और वर्टिकल से एंगल अल्फा बना रहा है। तो देखो, इंसेक्ट का अगर हम एफबीडी बनाएं तो एक तो इंसेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग सकता है, जो अर्थ लगा सकती है, अर्थ लगाएगी। और ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस का जो सरफेस है वो इंसेक्ट पर एक नॉर्मल एक्शन लगाएगा, अंदर की तरफ जो ट्रंक सरफेस के परपेंडिकुलर होता है सीधे सेंटर की तरफ आएगा एन, ये इंसेक्ट पर लग रहा होगा। अगर ये देखें तो ये दो फोर्स लग रहे होंगे इस पर। अच्छा, एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा क्योंकि आपका म्यू इक्वल टू 1/3 दे रखा है सरफेस और उसके बीच में। तो देखो, इसके अगर एम जी की कंप्यूट करें तो एक कंपोनेंट आपका एम जी का टेंजेंशियली आएगा ऐसे, और एक आपका इधर की तरफ आएगा। और इस एंगल को अगर हम अल्फा बोल रहे हैं तो ये एंगल अल्फा है, इसीलिए ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, और ये अल्फा है तो ये वाला भी एंगल अल्फा होगा। ठीक है, इसीलिए इस एम जी की कंपोनेंट करें तो ये वाला आएगा एम जी कॉस अल्फा और ये वाला कंपोनेंट आएगा एम जी सन अल्फा। तो देखो, एन तो इस एम जी कॉस अल्फा को बैलेंस कर लेगा, ऐसे तो इंसेक्ट मूव नहीं कर रहा, और ऐसे मूव नहीं कर रहा तो एन एम जी कॉस अल्फा को बैलेंस करेगा। तो एम जी सन अल्फा को बैलेंस कौन करेगा फिर? तो जैसे जैसे ये इंसेक्ट ऊपर चढ़ेगा, अगर ये ऊपर चढ़ रहा है तो अल्फा बढ़ेगा बेटा, क्योंकि अल्फा क्या चीज है? लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस टू द इंसेक्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर चढ़ रहा है अल्फा इंक्रीज होगा, और अल्फा इंक्रीज होने पर एम जी सन अल्फा क्या होगा? एम जी सन अल्फा भी इंक्रीज होगा। तो जानते हो ये कब तक चढ़ सकता है? जब तक इसमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसमें फिसलने की जो टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ होगी, नीचे की तरफ ऐसे, तो इसमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है आपका ये वाला, ये एफ एस मैक्सिमम तक हो एम जी, ये ऊपर चढ़ता जाएगा अल्फा बढ़ता जाएगा, तो एम जी सन अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होकर जैसे ही एफ एस मैक्सिमम के बराबर होगी तब तक ये फिसलेगा नहीं, तब तक चढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही एम जी सन अल्फा की वैल्यू एफ एस मैक्सिमम से ग्रेटर होगी तो ये इंसेक्ट फिसलने लगेगा फिर, और फिसलने लगेगा तो अल्फा जब ये जस्ट फिसलने ही वाला हो, दैट मीन्स एम जी सन अल्फा एफ एस मैक्सिमम को बैलेंस कर ले, उस वाली कंडीशन में अल्फा मैक्सिमम होगा। तो वही हमें वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अल्फा इज गिवन बाय। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम आपका एन तो बैलेंस करेगा एम जी कॉस अल्फा को, एंड लिमिटिंग प्रेशन जो है एफ एस मैक्सिमम ये बैलेंस करेगा एम जी सन अल्फा को। लेकिन एफ एस मैक्सिमम कितना होता है भाई? एफ एस मैक्सिमम जो लिमिटिंग प्रेशन होता है वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल एक्शन। तो इसीलिए अगर यहाँ पे म्यू इंटू एन लिख दें बराबर एम जी सन अल्फा, और एन की वैल्यू हम पुट कर दें एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी सन अल्फा, एम जी से एम जी कैंसिल, एंड म्यू इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, इसे लिख सकते हैं टेन अल्फा। एक्चुअल में यहाँ अल्फा जो है ना वो एंगल ऑफ अप्रोच है। कैसे? अगर हम यहाँ से एक सरफेस इमेजिन कर लेना ऐसे ये, और इस वाले पॉइंट पर जिस जगह पर इंसेक्ट बैलेंस कर रहा है एम जी सन अल्फा और एफ एस मैक्सिमम को, वहां से एक स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करें, तो देखो ये वाला एंगल भी जो है एंगल अल्फा आएगा, ये वाला एंगल, क्योंकि ये अल्फा है तो ये 90 - अल्फा होगा, और ये 90 है तो ये अल्फा होगा, और ये अल्फा आ गया तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया तो एफ एस मैक्सिमम एम जी अल्फा को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये अल्फा जो होगा वो उसे एंगल ऑफ रिपोज भी बोल सकते हो आप, इसीलिए डायरेक्ट भी कह सकते थे आप म्यू बराबर टेन अल्फा डायरेक्ट लिख सकते थे आप इसको, लेकिन मैंने करके दिखाया है। ठीक है, म्यू की वैल्यू 1/3 रखी है इक्वल टू टेन अल्फा, लेकिन टेन अल्फा की वैल्यू 3 है, यहाँ 1/3 आ रही है,
तो फिर कॉट अल्फा की वैल्यू होगी 1/3 इज इक्वल टू 1/cot अल्फा, इसीलिए cot अल्फा इज इक्वल टू 3, ये चॉइस होगी। आप चाहते तो डायरेक्ट इसको ले सकते थे एंगल ऑफ प्रोपोज के कंसेप्ट से, है ना, कि म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा, पर मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। इसके ए चॉइस करेक्ट है।